बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं यूपी के मैनपुरी की, जहां पर इन दिनों सड़कों की हालत इतनी दयनीय हो चुकी है कि लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि बरसात के मौसम में तो सड़कों की हालत और भी खराब हो जाती है। सीधे संवाददाता उमाकांत का रुख करते हैं। उमाकांत, सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, इस पर क्या कहेंगे आप? यहाँ की सब सड़कों से बच्चों को परेशानी होती है, जो विद्यालय में बच्चे जाते हैं वो बेचारे निकलने के लिए उनके माँ बाप हाथ पर बैठाल के कंधे पर बैठाल के ले जाते हैं, जिससे उनको बहुत भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रशासन इस पर अनदेखा कर रहा है। अभी तक कई सड़कें ऐसी हैं जिन पर विद्यालय में बच्चे जा नहीं पा रहे। उमाकांत, कितने समय से सड़कों की हालत ऐसी है और क्यों नहीं इनका निर्माण हो रहा? ये लगभग साल भर से सड़कों की ये समस्या चल रही है, लेकिन प्रशासन इस वक्त अनदेखा करता। कहीं कहीं प्रशासन की स्थिति है कि प्रशासन ने पैसा भी सैंक्शन कर दिया, लेकिन प्रधानों की मिली भगत से ये सड़कें बन नहीं पा रही है। कागजों पे तो बन गई है, लेकिन बाई फेस उस पर नहीं बन पाए। उमाकांत, योगी सरकार ने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का दावा किया था, क्या हुआ उस वादे का? योगी सरकार ने जहाँ गड्ढा मुक्त करने का वादा किया था, वहाँ कुछ क्षेत्रों में तो सड़कों में सुधार हो गया, लेकिन जहाँ दूर दराज के क्षेत्र जिन पर लोगों की जाने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर आज तक सुधार नहीं है। अधिकारियों की शिथिलता के कारण ये समस्या रह रही है। शुक्रिया उमा। यूपी के कानपुर देहात में दहेज की मांग पूरी न होने पर नवनिहायिता की हत्या का मामला सामने आया है। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मोहित का रुख करते हैं। मोहित, क्या है ये पूरा मामला और कैसे हुई नवनिहायिता की मौत, इस पर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा। ये घटना बीते शनिवार की है, जहाँ पे मतलब दहेज की मांग करने को लेकर दहेज मतलब पूरा न मिलने पर नवविवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी गई। परिजनों ने आरोप लगाया। असल में पर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार जी ने मामले को संज्ञान में लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मोहित, पुलिस से अगर आपकी बात हुई तो वो क्या कुछ कार्रवाई कर रहे हैं इस पूरे मामले पर? उन्होंने बताया कि अभियोग पंजीकृत लिया गया है और विवेचना होने के बाद ही कार्रवाई हो पाएगी। मोहित, परिवार दहेज की मांग पूरी ना होने पर हत्या का आरोप लगा रहा है, क्या इसके अलावा कोई और बात भी सामने आई है? नहीं, मतलब जो नवविवाहिता के मायके पक्ष वाले हैं, उन्होंने बताया कि 20,000 अतिरिक्त की मतलब अतिरिक्त रुपए की मांग की थी, जो नहीं दे पाए, जिसके चलते आए दिन मारपीट करते थे, मारपीट गाली गलौज, जिससे तंग आकर उसको मतलब अरपाई में बांध कर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी, यही आरोप लगाया है। शुक्रिया मोहित आपका हमसे जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।